सुरगुजा के सीतापुर में आज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आदिवासियों के 32% आरक्षण को 12% घटाकर 20% कर दिया गया है, जिसे 32% यथावत करने के लिए भाजपा के आदिवासी मोर्चा ने NH रोड सूर में चक्का जाम कर सीतापुर अमरजीत भगत खाद्य मंत्री का निवास स्थान का घेराव कर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आदिवासी विरोधी एवं लापरवाही के विरोध में जंगी प्रदर्शन और चक्का जाम किया। राज्यपाल और मंत्री अमरजीत भगत के नाम सौंपा गया। क्या है, अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है भूपेश जी का, और 3 वर्ष में इन्होंने 3 वर्ष से पहले छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल क्षेत्र में 27 विधायक एक तरफा जीत करके आए थे, जिसे एक भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का हितैषी है। और लेकिन जब 2-3 साल होते ही आदिवासियों का आरक्षण को 12% कम कर दिया और आदिवासियों के साथ में छल करने लगा, अब इस बात का अब पूरा प्रमाण हो गया कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का हितैषी है, क्योंकि सिर्फ इन लोग बातों में बोलने वाले हैं और इनके विरोध में काम करने वाले हैं। और निश्चित इस कारण से आज हम लोगों को रोड में चक्का जाम करके अपने हक अधिकार को मांगने के लिए हम लोगों को उतरना पड़ा। पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 32% आरक्षण उन्होंने दिया था, उसको आज भूपेश जी की सरकार 12% घटा करके 20% कर दिया है। उसी मांग को यथावत रखने के लिए हम लोग उनसे आज निवेदन करने आए हैं, और हम लोग चक्का जाम करके आज राज्यपाल के नाम में और क्षेत्रीय विधायक अमरजीत के नाम में ज्ञापन सौंपे हैं। मतलब हमारे माध्यम से मंत्री अमरजीत को चेतावनी रहेगी आपकी कि सतर्क हो जाए और अपने सरकार को बोल दें। हम लोग आप लोगों के माध्यम से, मंत्री जी इस क्षेत्र के विधायक हैं, चरचर बार ने इस क्षेत्र के आदिवासी लोग बनाए और आरक्षित सीट है आदिवासी का, इस बात को उनको ख्याल रखना चाहिए कि आज 4 बार आदिवासी क्षेत्र से विधायक बनकर के मंत्री बने हैं, तो उसकी पद की गरिमा के साथ साथ जो जिम्मेदारी जवाबदारी को निभाना चाहिए था, जो कि वो मौन पड़े हुए हैं और भूपेश जी का साथ देकर के हमारे विरोध में उन्होंने आरक्षण कम कर दिया है। कुल मिला के सरकार संभल जाने तो आने वाले समय में बता देंगे। ये संभलने वाले नहीं है सरकार, पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से चल रहा है माननीय भूपेश जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो 15 साल पीछे जो उन्होंने काम किया है उसको तो ये उसका 20% भी नहीं कर पा रहा है, वो तो जीतता जागता प्रमाण है पूरे क्षेत्र में प्रदेश में जिस हिसाब से कंडीशन चल रहा है। आने वाले समय भाजपा आएगा, आने वाले समय में निश्चित तरह से 90 के 90 विधानसभा में जीत करके एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता के हित में और अच्छा काम और विकास करेंगे। नाम पदनाम बता दीजिए। मेरा नाम है किस लिए आप लोग चक्का जाम किए थे, पद यात्रा निकाले और अभी मंत्री अमरजीत भगत का निज निवास को घेराव किए? देखिए, आज अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण सरकार ने 32% लागू किया था, और ये संविधान में भी व्यवस्था है कि आदिवासियों का आरक्षण 32% होना है, लेकिन ये भूपेश सरकार के कार्यकाल में हम लोग का जो आरक्षण रहा वो घट के 20% हो गया है, 12% का नुकसान हुआ है। उसका हम लोग मांग पुरजोर मांग कर रहे हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, सभी जगह आज ये चक्का जाम का दूसरी बार हम लोग सांकेतिक रूप से ये कार्य काम किए हैं, और आज मंत्री जी का निवास का घेरावा भी कर रहे हैं। उनको उनसे निवेदन करने आए हैं, हम उनको बताने के लिए आए हैं कि ये जो आरक्षण का जो व्यवस्था है 32% का, उसको आप लागू करवाइए। आपने ठीक है, न्यायालय में प्रक्रिया रहा, प्रक्रियाधीन रहा, आपका कर्तव्य था कि उसका सही व्यवस्था करके और जो हमारी व्यवस्था है, हमारा हित है 32% उसको दिलाने का काम उसको करना चाहिए था, और उन्होंने सफल रहा। और मुझे लगता है कि आदिवासी का हितैषी का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन आदिवासी का हितैषी न हो करके आदिवासी का
अनहित करने वाला सरकार बन गया है, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है सरकार के जो कैबिनेट है उसमें कई सारे मंत्री जनजाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, इन लोग को ऐसा नहीं लगता कि अपना बस पॉकेट भर रहा है, बाकी लोगों को चिंता नहीं बाकी जनजाति समुदाय का? यही तो दुख है हम लोग, आदिवासी समाज ने उसको बनाया है, उनको बनाया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं हो रहा है, अपना झोली भर रहे हैं। और आदिवासी भाइयों का अनहित जो हो रहा है वो समझेंगे, कब समझेंगे? जब कुर्सी से हट जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि दुख और दर्द क्या है। आरक्षण का देखिए, अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती एडमिशन होना था, उसमें कितने बेटी बेटियों का अनहित हुआ। अगर 32% रहता तो कुछ हमारे और गरीब बच्चे वहाँ एडमिशन होते, डॉक्टर बनते। कई हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका रोस्टर रुका हुआ है, उनका जो प्रमोशन होना था वो रुका हुआ है। कई प्रकार का हमारे कर्मचारियों के नियुक्ति का जो होना है वो भी आरक्षण के चलते हमको फायदा नहीं हो पा रहा है।